गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों, रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 5 द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस। ओके, तो आज हम रिवीजन में, मैंने कल पॉलीजीन इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज हम लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, तो क्रोमोसोमल जो थ्योरी है इनहेरिटेंस की, वो दी थी वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने, और उन्होंने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम है डीएनए के, स्टोन नॉन स्टोन प्रोटीन के, आरएनए के बने होते हैं, और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्रोमोसोम का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के द्वारा कंट्रोल होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर फाउंड पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लीनियर इन द लीनियर सिक्वेंस ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर सिक्वेंस के रूप में पाया जाता है। हाँ, गैमेट फॉर्मेशन के समय जरूर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं गैमेट के अंदर, अदरवाइज डिप्लॉयड सेट क्रोमोसोम का पाया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में बताया। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी नेक्स्ट लेते हैं। पैरेललिज्म बिटवीन genes and chromosomes, genes and chromosomes। बच्चों, जीन और क्रोमोसोम में पैरेललिज्म क्या है कि जीन भी जो है, जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जीन डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन स्टोन नॉन स्टोन इनके प्रोटीन के बने होते हैं, और क्रोमोसोम भी डीएनए के बने होते हैं। जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं वैसे जीन भी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। जीन्स हमारे गुणों को, हमारे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। तो ये समानता है या पैरेललिज्म है किसके बीच में, जीन और क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं लिंकेज। जनरली बच्चों, हमने ये समझा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब एलील्स जो होते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो हाफ एलील गैमेट्स में, हाफ एलील दूसरे गैमेट में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, लिंकेज क्या है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई दो जीन आपस में लिंक, बंद कर दो नोटबुक, कोई अभी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी, सुनो सिर्फ आप, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है ये, छोटे छोटे से। ठीक है, कपिल शर्मा कहता है ना वो पंजाबी लैंग्वेज, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टॉपिक है। ठीक है, अभी आगे के दो चार टॉपिक पूछा छोटे छोटे से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो आगे बढ़ते हैं हम। तो लिंकेज क्या है कि अगर कोई दो जीन एक ही क्रोमोजोम पर है और लिंक्ड है, कभी सुन रहे हो ना, दो जीन लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं और एक ही क्रोमोजोम पर है, तो फिर उनमें लिंकेज पाई जाती है, वो एक अगली पीढ़ी में एक साथ ट्रांसमिट होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स विद ऑन क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम एंड ट्रांसमिट विद द सेम क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। तो सटन और बोवेरी ने इनके बारे में बताया, पुन्नेट ने भी इसको कन्फर्म किया कि हाँ भी लिंकेज पाया जाता है। कई बार आपको मैं बताऊं, सेक्स लिंक्ड हेरिडिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो लिंकेज के कारण से जो जीन है जुड़े हुए रहते हैं और अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं, सेग्रीगेट नहीं हो पाते। समझ में आ गई बात आपके, क्लियर होगी बात आपके, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं।
पहला कि जो अगर जिंक जो लिंक्ड जीन्स हैं उनके उनके बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो लिंकेज ज्यादा रहेगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो लिंकेज कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये फैक्टर है, डिस्टेंस कम होने पर लिंकेज ज्यादा पाया जाएगा सेल्स के बीच, जीन्स के बीच में। दोबारा सुन लीजिए, जीन्स का जो को एग्जिस्टेंस है उसे हम लिंकेज कहते हैं, और को एग्जिस्टेंस के साथ अगली जनरेशन में ट्रांसमिशन क्या है, ये को एग्जिस्टेंस है, तो ये लिंकेज कहलाता है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं? अगर दूरी ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, और डिस्टेंस कम है जीन्स के बीच में तो लिंकेज ज्यादा रहेगा। ठीक है, एक एज के बाद में भी लिंकेज प्रभावित होती है, ठीक है ना। यंग एज में जो है ऑर्गेनिजम्स के, वहां लिंकेज कम होती है और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जीन का एक्सचेंज होना ज्यादा रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, और अगर जैसे एज बढ़ती जाती है तो लिंकेज बढ़ती चली जाती है, ज्यादा एज में लिंकेज बढ़ती है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। नेक्स्ट लेते हैं कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट फर्स्ट ले लेते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड सेकंड है कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या है कि अगर जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस मतलब बहुत कम डिस्टेंस नहीं है और लिंकेज पूरी तरीके से नहीं है उनके अंदर, ठीक है ना। तो जनरली जो लिंकेज है एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स के बीच में पाया जाता है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है प्रॉपरली लिंक नहीं है जीन्स, तो उन्हें इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। जबकि जो कम्प्लीट लिंकेज है उसमें कम्प्लीटली पास पास सटे हुए पाए जाते हैं जीन्स, और उनमें फिर लिंकेज ज्यादा देखने को मिलता है, इसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब हम अगेन लेते हैं कि जो लिंकेज को प्रभावित करने वाले फैक्टर है उनको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला कि अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा जीन्स के बीच, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि कम एज के अंदर लिंकेज ज्यादा होता है, यंग एज में लिंकेज यंग एज में लिंकेज कम होता है क्योंकि वो एक्टिव होते हैं जीन्स, तो लिंकेज कम होता है यंग एज में या कम एज में। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लिंकेज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं, आयंस हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम अलग अलग जो आयंस हैं वो भी लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर भी लिंकेज को अफेक्ट करता है, लिंकेज को कम कर देता है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये दो चार पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। ये तो भी लिंकेज की बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीन्स का पास पास पाया जाना एक ही क्रोमोसोम के ऊपर और एक साथ ट्रांसमिशन होना अगली जनरेशन में, इसे हम लिंकेज कहते हैं। तो कई सारी हेरिडिटिक बीमारियां ऐसी है जो लिंकेज की वजह से होती है कि जो जीन है वो लिंक रहता है पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर, तो इस वजह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती रहती है। अब हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर की। तबियत खराब है। नेक्स्ट लेते हैं क्रॉसिंग ओवर। हाँ, एक चीज और, जब लिंकेज बढ़ती है, जब लिंकेज कम बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रह जाते हैं। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ रहे हैं और उनके सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसे हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो नेचुरली जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन के एक्सचेंज भी हो जाते हैं, जीन एक्सचेंज होते हैं, नए कॉम्बिनेशन बन गए। 11th में मैंने थर्ड यूनिट में समझाया कि दो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और वेरिएशन आते हैं। ठीक है ना, तो अगर लिंकेज कम हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर लिंकेज कम होती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। क्रॉसिंग ओवर क्या है? द एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में बता देता हूं, अगर एक ही क्रोमोसोम के जो दो धागे हैं, दो स्ट्रैंड हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं, उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के, दो दो अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं, क्रोमेटिड समझते हो आप सभी, क्रोमोसोम का सिंगल धागा क्रोमेटिड है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है।
दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होना कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। समझ में आगे बात, तो लिंकेज कम होने पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात आपके? जो कपलिंग एक थ्योरी है जो आप पूछी तो नहीं जाएगी, कपलिंग रिपल्सन थ्योरी। कपलिंग रिपल्सन थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर होना होता है तो दो क्रोमोसोम पास पास आते हैं तो उनकी कपलिंग होती है, ठीक है। जब उनके सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं तो फिर उनका रिपल्सन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्रॉसिंग ओवर के टाइप समझा रहा हूं, टाइप उसमें फर्स्ट लेते हैं सिंपल क्रॉसिंग ओवर, सिंपल क्रॉसिंग ओवर। सिंपल क्रॉसिंग ओवर ये मान लो एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड ये रहा, बस तो ध्यान से देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है। सान्या, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? हाँ, दो क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होना, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जीन एक्सचेंज कहते हैं इसे, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये दो तरीके का है, सिंपल क्रॉसिंग ओवर। सिंपल क्रॉसिंग ओवर में मान लो एक ही क्रोमोसोम है और ये इसके दो क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमोसोम है इसके ये दो क्रोमेटिड है, तो ये पास पास आते हैं, होमोलोगस है मान लो। तो जैसे ये जो सेगमेंट है आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं एक जगह से, एक जैसे एक्सचेंज, एक जगह से एक्सचेंज हो गए। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ देखिए, यहाँ पर अपन को दो स्ट्रैंड, दो रिकॉम्बिनेंट मिल गए। ये रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन एक ही तो बात हुई, और ये दो पेरेंटल है। तो सिंपल क्रॉसिंग ओवर में दो क्रोमेटिड तो ऐसे होंगे जो पेरेंटल होंगे और दो ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिंपल क्रॉसिंग ओवर, जिसमें सिर्फ एक ही जगह से सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, सिर्फ एक जगह से, ओनली वन साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूं डबल क्रॉसिंग ओवर, समझ में आ रहा है आपके? बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट लेते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। डबल क्रॉसिंग ओवर, ध्यान से देखिए, थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए मैं डबल और सिंगल लाइन, कलर चौक में क्या ऑनलाइन में दिखेगा नहीं उनको बोर्ड, ठीक है। समझ में आया नहीं है, डबल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? डबल क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि दो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जब पास पास में आते हैं तो दो जगह से उनके क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, दिशांत सीधे बैठिए, दो जगह से फ्रॉम टू साइड द क्रोमोसोम सेगमेंट गेट एक्सचेंज, ओके। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी सिंपल सा है, समझ में आ रहा है आपके, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इनको मैंने कैपिटल से शो किया और ये साइड्स को मैंने स्मॉल लेटर से शो किया है। तो ये जो सेगमेंट है दो जगह से एक्सचेंज होते हैं, ये देखिए दो जगह से एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पर ये देखिए मतलब ये कट हो गया, तो ये सेगमेंट इसके साथ ऐड हो गया और इसका वाला इसके साथ में, ये देखिए। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में दो तो डबल रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, दो स्ट्रैंड डबल रिकॉम्बिनेंट होते हैं, वन और टू, और दो ऐसे होते हैं जो पेरेंटल होते हैं, क्या होते हैं, पेरेंटल होते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज और रिकॉम्बिनेशन।
पहला फैक्टर, अगर क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स हैं उनमें लिंकेज ज्यादा है, तो लिंकेज ज्यादा होने पर फिर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रहते हैं। दिशांत सीधे बैठो, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि जब लिंकेज ज्यादा होती है जीन्स के बीच में क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। जब लिंकेज डिक्रीज होती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं या केमिकल आयंस हैं वो क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करते हैं। कम एज में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओल्ड एज में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं, लिंकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ गई बात आपके। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, वो भी क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का, क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम के, तो जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनने से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर नए चेंजेस आते हैं, नए वेरिएशंस आते हैं, नए गुणों का समावेश होता है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस या चेंजेस आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जब वेरिएशन आएंगे क्रोमोसोम में या जीन में, जब चेंजेस आएंगे तभी नए कैरेक्टर इनकॉर्पोरेट होंगे और नई स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है, तो इवोल्यूशन का बेस भी है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जनरली गैमेट फॉर्मेशन के दौरान पाया जाता है। गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है सेल डिवीजन, तो उस दौरान पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, नए जीन के इनकॉर्पोरेशन से, कॉम्बिनेशन से नए गुणों का डेवलपमेंट होता है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। बताइए समझ में आया नहीं है, पक्का आ गया? तो ये इंपॉर्टेंस थी क्रॉसिंग ओवर की। क्लियर है सभी के? क्लियर है यहां तक? कोई डाउटफुल? कोई भी डाउट नहीं है? पक्का डाउट नहीं है? चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन सा टॉपिक लेंगे हम? सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ बच्चों, आज हम हनी बी का भी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि मधुमक्खी के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, जो भी अपने मिड टर्म में आ रहे हैं सभी चैप्टर में दोबारा बता दूंगा ना। आपकी ड्यूटी है कि ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन अटेंड करो, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन अटेंड करो, एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ डेली, गिव योर 3 to 4 hours और 4 hours इन द इवनिंग टू रिवाइज द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। डेली आप 4 घंटे पढ़ो आप, तो अपना मिड टर्म एग्जाम अच्छा जाएगा। मिड टर्म अच्छा जाएगा तो यही सिलेबस टर्म वन का है, तो टर्म वन एग्जाम भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो सभी तैयारी करें जम के, सीधे बैठ जाए, स्ट्रेट योर बैकबोन। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन है, बर्ड्स का है, और हनी बी का है। हनी बी का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपन ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। सेक्स का डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम से होता है।
आज जो हम लोग वुमन है तो गर्ल्स के अंदर एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम होता है, सॉरी एक्स एक्स, ठीक है, और मेल के अंदर या बॉयज के अंदर जेंट्स के अंदर एक्स वाई होता है. क्या होता है? एक्स वाई होता है. तो जो वाई स्पर्म वाला, वाई क्रोमोजोम वाला जो स्पर्म फ्यूज होता है ओव्यूम से तो लड़का होता है, और अगर एक्स क्रोमोजोम वाला जो स्पर्म फ्यूज होता है ओव्यूम से तो लड़की होती है. क्योंकि जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो तो एक ही टाइप के ओव्यूम प्रोड्यूस करती है, एक्स एक्स क्रोमोजोम वाले, ठीक है. डिपेंड करता है मेल के ऊपर कि उनके अंदर दो अलग अलग डिफरेंट क्रोमोजोम है, एक्स और वाई, ठीक है. तो ये फर्क है. पहले अपन टेबल देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने पांच ऑर्गेनिज्म का बताया कि ह्यूमन बींग के अंदर जो मेल है, मेल के अंदर एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम होते हैं. सेकंड लेते हैं ड्रोसोफिला, जो मक्खी है, ड्रोसोफिला के अंदर मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं, ठीक है. मतलब ह्यूमन और ड्रोसोफिला जब गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो मेल दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक्स कैरिंग स्पर्म और वाई कैरिंग स्पर्म, ठीक है ना. जबकि फीमेल एक ही टाइप के अंडे ओव्यूम प्रोड्यूस करती है. बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में उल्टा है. बर्ड्स में फीमेल हिट्रोगैमेटिक है, मेल के अंदर जेड जेड क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल के अंदर जेड डब्ल्यू होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम, ये ध्यान रखना. तो यहाँ पर फीमेल रेस्पॉन्सिबल है नए जो बर्ड है उसके सेक्स के लिए, समझ में आगे बात, उसके जेंडर के लिए. नेक्स्ट रहते हैं इंसेक्ट. इंसेक्ट के अंदर जो मेल होता है उसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, ये जीरो है, मतलब एक ही, मतलब कुछ गैमेट तो ऐसे, आधे गैमेट तो ऐसे बनते हैं उनमें जो एक्स क्रोमोजोम वाले होते हैं, और आधे गैमेट कोई भी क्रोमोजोम नहीं होता, सेक्स क्रोमोजोम नहीं होता उनमें, ठीक है. जो फीमेल्स हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो फीमेल में एक ही तरीके के ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक्स एक्स क्रोमोजोम वाले होते हैं, ठीक है. बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज में मेल के अंदर जेड जेड होते हैं जबकि फीमेल के अंदर जेड जीरो, यानी कि आधे गैमेट उनके जेड क्रोमोजोम वाले होते हैं और आधे बिना सेक्स क्रोमोजोम वाले, समझ में आ गई बात आपके. तो आपके सिलेबस में इस बार में तीन है, मैंने पांच करवाई है आपको. एक तो ह्यूमन बींग का सेक्स डिटर्मिनेशन है जो कि एक्स वाई एक्स एक्स प्रकृति का है, नेचर का है, ठीक है. सेकंड जो है बर्ड्स का है जो कि जेड 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 डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, और थर्ड है हनी बी का. तो ह्यूमन बींग का बताएं, यहाँ आता है आपको ह्यूमन बींग का जो है एक्स वाई एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम वाला सेक्स डिटर्मिनेशन है. सभी को आता है ह्यूमन बींग में? बर्ड्स में बता दूं मैं, या बर्ड्स का वो भी आता है? बर्ड्स का बताएं, बोली बता देते हैं. ह्यूमन बींग का तो आता है, ठीक है. तो बर्ड्स का अपन लेते हैं. बर्ड्स के अंदर क्या है? जेड 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 डब्ल्यू डिटर्मिनेशन. जेड जेड, टाइम कम बचा है, फटाफट बता दूंगा, हो जाएगा ये टॉपिक तो. ऑटोजोम के लिए मैं ए ए लिख रहा हूं, ऑटोजोम के लिए ए ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है. और जेड डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम.
जी बच्चों बोर्ड पे देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले ह्यूमन का था, जो आपको पहली बार, पहले भी कई बार पढ़ चुके हो, चैप्टर थर्ड में भी पढ़ चुके हो, उनमें XY टाइप का जो है सेक्स डिटरमिनेशन है। बर्ड्स के अंदर थोड़ा उल्टा है, बर्ड्स के अंदर जो फीमेल होती है उनमें AA ऑटोजोम ले रहे हो प्लस ZW सेक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि जो मेल बर्ड है उसके अंदर AA ऑटोजोम और ZZ सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो जब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस होता है तो इनसे जो गैमेट बनते हैं, आधे गैमेट तो A प्लस Z क्रोमोजोम वाले होंगे और आधे A प्लस W क्रोमोजोम वाले होंगे, ठीक है। जबकि जो मेल है उसके अंदर जो स्पर्म होंगे लगभग सारे ही A प्लस Z क्रोमोजोम वाले होंगे, ठीक है। तो जब इस गैमेट का फ्यूजन इससे होता है तो AA प्लस ZZ ये मेल होगा, इसका फ्यूजन फिर इससे अगर होता है तो भी AA प्लस ZZ यानी कि ये भी क्या होगा, फीमेल मेल बर्ड होगा। अगर इसका फ्यूजन अगर इससे होता है तो AA प्लस ZW ये फीमेल बर्ड होगा, और इसका फ्यूजन इससे होता है तो AA प्लस ZW ये भी फीमेल बर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल रेस्पॉन्सिबल है, बर्ड्स के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है, फीमेल रेस्पॉन्सिबल है सेक्स के लिए। हाँ जी, हाँ इंटरनेट फीमेल की बात। एक्चुअल में क्या होता है, जो बर्ड होते हैं ना, अपना जो क्लोएका है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट करते हैं, क्लोएका के द्वारा उनका एक्सचेंज होता है स्पर्म का। फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन वो फिर एग में डेवलप हो जाता है, जो एग वो बाद में देते हैं। समझ में आ गई बात आपकी, ये एक एग अलग हो गया, एक तो वो हो गया जो ओवरी के अंदर बनता है एग, वो नहीं, और जो बर्ड्स के अंदर एग है वो एक्चुअल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ है ओवी पर। नहीं मेरी बात सुनो, जैसे फीमेल बर्ड है उसने अपने गैमेट ओव्यूम प्रोड्यूस किए, गैमेट प्रोड्यूस किए अपने ओवरी के द्वारा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब मेल और फीमेल बर्ड क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो उनमें क्लोएका के द्वारा क्रॉस होता है, क्लोएका का अपोजिशन के द्वारा। तो जो मेल है अपने स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर देता है फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल की बॉडी में पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो फिर वो वाला जो बड़ा एग है उसमें डेवलप हो जाता है। हाँ समझ में आ गई बात आपके, क्लियर है सभी के। लगातार करते नहीं, एक टाइम में, चलिए एक सेकंड बेटा, आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में करेंगे।